भैया अगर तुम हिंदू हो, तुम सनातनी हो, तो तुम्हारा कर्तव्य ये है कि घर की पहली रोटी गौ माता के नाम पे जाना चाहिए। हिंदू ने गौ मांस खा लिया वो हिंदू है ही नहीं। जो अपनी माँ का भक्षण कर सकता है वो हिंदू ही नहीं है। तो किसी ने बोल दिया कि भैया ये तो खेत है, जितने चाहे उतना उपज कर लो। वो ये बोलता है कि ये तो ऊपर वाले की देन है, जितना आता है आने दो। अरे मुसलमानों को बोलना चाहूंगा कि अगर तुम अगर हमारे भाई बनना चाहते हो तो हम दोनों हाथ से खोल के बोल रहे हैं कि हम तुम्हें भाई मानने के लिए रेडी हैं, लेकिन हमारी गौ माता को खाना बंद करो। तुम भी हमारे इस गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए तुम भी हमें सपोर्ट करो। बाकी के चीजों में तुम भाई भाई बोलते हो, लेकिन जब मेरी माँ को तुम काट के खा रहे हो, छोटे छोटे बछड़ों को जब तुम तल के खा रहे हो, और तुम बोलोगे कि भैया तुम हमारे भाई। इतना महंगा है फिर भी 100 रुपये और 150 रुपये में आपको अगर वो बिरयानी खिला रहा है, मतलब सोच लीजिए, आपने टीवी में देखा रहेगा जो मूवी है कौवा बिरयानी, इसी तरह से ये जो है ये चर्बी बिरयानी आपको खा रहे हैं, तो आपका धर्म भ्रष्ट हो सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो गोवा में जितने मड़गांव एरिया में, कम से कम मड़गांव एरिया में तो बोला पूरे गोवा में, लेकिन कम से कम मड़गांव एरिया में जितने सनातनी हैं वो अपने धर्म के लिए जो है, जो उन्होंने कहीं ना कहीं बिरयानी अगर खाई होगी तो मंदिर में जाकर के पछतावा करे, पूजा पाठ करे कि भैया हमने गलती से खा। माता को मूर्ति लेकर के, गौ माता की मूर्ति लेकर के हम मंदिर में रखे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन साक्षात चलती फिरती गौ माता जो हमारे रास्ते पे है, जिनको चोट लगी हुई है या जो कचरा खा रही है, उनके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय गौ माता। जय परशुराम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पॉडकास्ट स्पेशली गौ माता रक्षकों के लिए, गौ माता का रक्षा क्यों करना चाहिए और हिंदुत्व क्या है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे पहले ही पूछना है कि ऐसा पूछना चाहूंगा कि गौ रक्षा मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, सामान्य तौर पर इसका अर्थ क्या होता है। देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे वेदों में लिखा हुआ है, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि गौ सेवा ये परम धर्म है। गौ सेवा करना हमारे सनातन धर्म के लिए वेदों और पुराणों द्वारा समर्थित ऐसा लिखा हुआ है कि हमें उनकी सेवा जो है वो सबसे परम धर्म है, क्योंकि वो माता है, गौ माता है। कोई कोई पूछते हैं कि भैया गौ माता क्यों है, तो अभी के धारणा के हिसाब से कोई कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इधर से देख करके बोलते हैं क्योंकि गौ माता दूध पिलाती है, इसके लिए वो माता है। दूध तो हमें बकरी भी पिलाती है, दूध तो हमें भैंस भी पिलाती है, लेकिन गौ माता में डिफरेंस क्या है? तो गौ माता में जो डिफरेंस है ये मेन ये है कि गौ माता वेदानुसार जब हम सनातन धर्म को अपनाते हैं तो इसका मतलब कि हमने सनातन धर्म के जितने भी देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता जो है गौ माता में रहती है, ये हम भारत माता बोलते हैं, ये धरती माता बोलते हैं। जब जब धरती माता के ऊपर पाप बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तो धरती माता जो है गौ के रूप में, गाय के रूप में जो है अपने आप को भगवान के सामने समर्पित करती है और कहती है कि हे प्रभु मुझे अब उद्धार दो करके, क्योंकि बहुत पाप हो गए। हमने देखा है कि जब ये कलयुग स्टार्ट हुआ था तो कलयुग के वक्त भी ये धरती माता जो है ये गौ माता बन के लंगड़ाते हुए जा रही थी, क्योंकि उन्हें गौ माता को पता था, भारत माता को, धरती को पता था कि कलयुग में इस तरह से पाप बढ़ने वाला है। इसके लिए गौ माता वेदानुसार पुराणानुसार हमारी माता है, और हमारी माता की सेवा करना, उनकी रक्षा करना, ये सनातन धर्मियों के लिए तो अति आवश्यक है। दूसरे व्यक्ति अगर कोई क्या कर रहा हो नहीं, लेकिन सनातनी जो अपने आप को सनातनी कहलाता है, जो अपने आप को हिंदू कहलाता है, जो वेदों को मानता है, जो महाभारत को मानता है, जो रामायण को मानता है, जो गीता को मानता है, उसके लिए गौ माता की सेवा, गौ माता की रक्षा ये अनिवार्य है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। भाई इसके ऊपर में पूछा जाएगा, सनातन धर्म और गौ माता रक्षा इसमें क्या अंतर है? देखिए सनातन धर्म और गौ माता आप इसे अंतर नहीं डाल सकते, क्योंकि सनातन धर्म हम जितने भी देवी देवताओं की पूजन करते हैं, हम जो पेड़ की पूजा करते हैं, हम चंद्र की पूजा करते हैं, हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम समुद्र की पूजा करते हैं, हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो सारे देवी देवता, वो सारे चंद्र सूर्य, पूरा ब्रह्मांड जो है ये गौ माता में समर्पित है। तो सनातन धर्म और गौ माता इसमें हम लोग अंतर नहीं कर सकते हैं, ये दोनों एक ही है,
और अगर जैसे आप बोलते हैं कि सनातन धर्म में उनकी जो महत्वता है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे खुद के कृष्ण कन्हैया जी वो गौ माता जो है उनकी इष्ट देवती देवी है, इष्ट देवी गौ माता के लिए उन्होंने भूखे प्यासे दिन भर गौ माता को चराने के लिए लेके जाते थे वृंदावन में, और साथ ही साथ जो है नंगे पांव बिना कुछ पहने नंगे पांव घुमाते थे गौ माता के लिए, उन्होंने क्षण भी नहीं लगाया और उन्होंने गोवर्धन को जो है अपने उंगली पे उठा लिया, क्यों गौ माता के। तो ये दर्शाता है कि जब हमारे कृष्ण कन्हैया कान्हा जब गौ माता की सेवा के लिए इतने तात्पर्य है, तो हमें कितना रहना चाहिए। भाई इसके और एक क्वेश्चन दिमाग में से आ रहा है कि मुझे एक व्यक्ति ने पूछा था कि लोग गौ माता की सेवा तो करते हैं, करना ही चाहिए और हमारा परम धर्म है, लेकिन हमें डिफॉरेस्टेशन करके जो हमें क्या बोलते हैं गौशाला बनाते जा रहे हैं, पेड़ काट के गौशाला बनाते हैं, वो क्या अच्छा है क्योंकि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है। अरे बहुत बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सबसे पहली बात तो आपको मैं बताऊँ, आप ये जगह जो है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं ये गोवा कहते हैं, गौ भूमि, इसका नाम गोवा जो है वो गौ भूमि या गोवापुरी या गोपकपट्टनम, इससे ये गोवा का नाम उत्पन्न हुआ है। मतलब ये जो पूरी भूमि है ये भगवान परशुराम ने जो बनाई थी, तो इन्होंने गौ भूमि या गोवापुरी क्यों रखा, क्योंकि ये जगह जो है ये पूरी गौ माता की है। अब हम लोग ये बोल, आपने ये तो बोला कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हम पेड़ कट कर रहे हैं, हम सब कुछ काट के हम वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे घर बना रहे हैं या गौशाला बना रहे हैं, अपने गौशाला का नाम लिया। मुझे एक बताइए, इतने सारे गोचर भूमि गोवा में है, गोचर भूमि जिसको गोचर भूमि कहते हैं, वो गोचर भूमि है, गोचर भूमि को कब्जा कर करके इंसानों ने उधर अपना घर बना लिया, तब आपने प्रश्न क्यों नहीं उठाया। गोचर भूमि में आप गए हैं, आपके जगह पे गौ माता नहीं आई है, ये आपके जगह पे गौशाला नहीं आई है, ये इंसानों ने जो है गौ माता को रास्ते पे छोड़ दिया और उनके जगह जहाँ पे गोचर भूमि है, जहाँ पे उनके चरने का भूमि है, जहाँ पे वहाँ पे रहने की भूमि है, उस भूमि में इंसानों ने जो है अपना घर बना लिया और गौ माता को रास्ते पे छोड़ दिया। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन ये सब तो बात की बात है, पहले हमें ये बताओ कि गोचर भूमि को आप लोगों ने क्यों कब्जा कर लिया, सरकार ने इसके ऊपर भी पूछना चाहिए, या जो एक्टिविस्ट सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं वो जब ये सवाल पूछते हैं तो उनको ये सवाल पूछना चाहिए कि भैया गोचर भूमि में जिन लोगों ने घर बनाया है, चाहे वो कोई भी हो कहीं का भी हो, गोचर भूमि जो है उसको खाली करवाओ, हम गौशाला की जगह वहीं पर बनवाएंगे और कहीं नहीं बनवाएंगे, बस यही मेरा बोलना है और कुछ नहीं। यहाँ पे गोचर भूमि है, गोचर भूमि में गौशाला बनेगी, बाकी के जगह जो आपके लिए है वो आप रखिए। गौ माता जो है वो आपसे, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम गाय क्यों पाले, गाय क्यों पाले, हमारी या किसी भी व्यक्ति की किसी भी मनुष्य की इतनी औकात नहीं है कि गौ माता को पाल सके, गौ माता हमें पालती है, अपना दूध देके, अपना गोबर देकर के, अपना गौमूत्र देकर के वो हमें पाल रही है, उनको हमारे साथ रखना मतलब हमारे जीवन से सारे पीड़ा का जाना है। तो हमने क्या किया है, अपने सुख सुविधा के अनुसार गौचर भूमि को कन्वर्जन करके, कन्वर्ट करके या इलीगली घर बना करके गौचर भूमि को कैप्चर कर लिया और वहां से गौ माताओं को भगा दिया, अब रास्ते पे गौ माता है। तो इसी के लिए ये जो डिफॉरेस्टेशन की बात है ये तो बाद में आते हैं, डिफॉरेस्टेशन इसलिए सिर्फ गौशालाओं के लिए नहीं हो रही है, बहुत सारे जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं आपके उनके लिए जो हो रहा है उधर जा करके सवाल उठाइए, लेकिन जब गौचर भूमि जो घर बना रहे हैं ना उन लोगों को सबसे पहले जाकर के पूछिए। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी गौशाला की सेवा करनी है, गौ माता की सेवा करनी है, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए शुरुआत मतलब अगर ऐसा देखा जाए तो मैं उस गांव में रहता हूँ और जब मैं बचपन से ही हम लोग जो है गौ माता की सेवा करते थे, मेरे घर पे कम से कम 10-15 गाय रहती थी और हम लोग दूध निकालते थे। मैं तो 12th स्टैंडर्ड तक मैं सर्वोदय एजुकेशन सोसाइटी में पढ़ा, तो तब तक जब तक मैं उस गांव में रहता था, मेरे घर पे रहता था, हमारे जितने भी गाय रहती थी मैं जाकर के दूध निकालता, मेरी मम्मी दूध निकालती थी, मेरी मम्मी उनकी सेवा करती थी, मैं सेवा करता था, मेरा पूरा परिवार सेवा करता था। लेकिन 12th के बाद मुझे डिप्लोमा के लिए मुरुडेश्वर कर्नाटक में जाना पड़ा, तो वहाँ पे जाने के बाद वो जो सेवा जो मैं यहाँ पे करता था वो कम हो गया था और कहीं ना कहीं जॉब और बिजनेस इधर उधर के चक्कर में गौ माता की सेवा जो है वो कम हो गई थी कहीं ना कहीं। लेकिन जब मैं वापस से जब गोवा आया तब फिर से जो है गौ माता की सेवा, क्योंकि घर पे भी है गाय अभी भी है तो गाय रहती थी, लेकिन जब हम बाहर में जाते हैं, बाहर में देखते हैं
हम ये बोलते हैं कि गौ माता की तो हम मूर्ति ला करके मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन जो रस्ते पे गौ को देखते हैं, जब रस्ते पे गाय को कचरा खाते हुए देखते हैं, या कोई रस्ते पे गाय का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो देख के हमें एकदम दर्द महसूस हुआ मुझे कि यार जब हम गौ माता को मूर्ति लेकर के, गौ माता की मूर्ति लेकर के हम मंदिर में रखे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन साक्षात चलती फिरती गौ माता जो हमारे रस्ते पे हैं, जिनको चोट लगी हुई है या जो कचरा खा रही है, उनके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैंने वापस से जो गौ सेवा है उसी तरह से चालू कर दिया। यहाँ पे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, इतनी गौशाला गाँव में गौशाला बहुत है, फिर भी गौ माता रस्ते पे क्यों अभी दिख रही है? बहुत सारी, देखिए बहुत सारे गौशाला की बात तो मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पे मेन जो है हमारे सिकेरी में माया बिचोली में जो है गोमंतक गौ सेवक महासंघ है, जो कमला कंतारी जी संभाल रहे हैं, साथ ही साथ ध्यान फाउंडेशन हमारी है जहाँ पे स्वाति शिवकर जी है, और वो लोग बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। बाद में अतुल सरीन भी है, फिर फोंडा में अभी कुछ नया भी गौशाला खुला हुआ है, और ऐसे चार पांच जगह पे जो है गौशाला से हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि सरकार, जहाँ तक हमने सारे गौशालाओं से बात की है, सारे गौशाला से हमारी बात होती है, सरकार गौशाला की जो निर्धारित राशि है उस राशि को गौशाला को देने में जो है वो समय लगाती है। और देखिए पूरे राज्य में इतने गौ माता है, इनको हम लोगों ने जो है रस्ते पे छोड़ दिया है, रस्ते पे छोड़ दिया तो उनकी ब्रीडिंग ऑटोमेटिकली हो रही है, क्योंकि जब गौ माता और ये वहाँ पे है तो ब्रीडिंग हो रही है, वहाँ पे बढ़ रहा है तादाद उनका, और उनका कोई मालिक नहीं है। इन्होंने क्या किया हुआ है, सरकार, इसके लिए मैं जिम्मेदार सरकार को भी मानता हूँ, सरकार ने कुछ एक 20 से 25 साल पहले जो है व्हाइट रिवॉल्यूशन करके कुछ चालू किया था, और उन्होंने जो जर्सी ब्रीड बाहर से ला करके यहाँ के किसानों को थोप दिया था। अब किसान बेचारे क्या करें, मैं इस देसी गौ माता को उतना ही चारा खिलाऊंगा, उतना ही खाना खिलाऊंगा, उतना ही सेवा करूंगा, तो मुझे ये 2 से 3 लीटर या 4 लीटर ज्यादा ज्यादा दूध देगी, उतना ही चारा उतना ही खाना मैं अगर जर्सी को खिलाऊं तो ये मुझे 10 से 15 लीटर दूध देगी। तो किसानों ने क्या किया, सब्सिडी के चक्कर में, इसके चक्कर में सारे जर्सी को जो है अपने घर में भर लिया, और ये जो देसी गौ माताएं थी इसको रस्ते पे छोड़ दिया। अब वहां पे इतनी तादाद है कि गौशाला भी देखिए, अगर सिकेरी गौशाला में अगर आप जाएंगे तो वहां पे लगभग 4,500 से 5,000 गौ माताएं और गौवंश है, नंदी बैल है। अब उनके लिए जगह कम पड़ रहा है, और हमारे सो कॉल्ड एक्टिविस्ट ये लोग जो है ये वहां पे भी जाकर के हंगामा कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे गोबर से हमें गंदगी हो रही है, हमारे गौमूत्र से गंदगी हो रही है, बदबू आ रही है, और गौ माता की जो है उनको अनादर कर रहे हैं। भैया अगर तुम हिंदू हो, तुम सनातनी हो, तो तुम्हारा कर्तव्य ये है कि घर की पहली रोटी गौ माता के नाम पे जाना चाहिए, और हर घर में कम से कम एक गौ माता रहना ही रहना चाहिए, 1 से 2 गौ माता रहना ही रहना चाहिए, अनिवार्य है। पहले की हमारी संस्कृति यह है कि हम सुबह उठने के बाद जब तक गौ माता की आरती नहीं करते थे, गौ माता को अपनी पहली रोटी नहीं खिलाते थे, तब तक हमारा दिनचर्या नहीं चलता था। फ्लैट में रहने वाले लोग कैसे पालेंगे? बहुत सही बात, देखिए फ्लैट में रहने वाले गौ माता को पाल नहीं सकते, या गौ माता को अपने साथ नहीं रख सकते हैं। अभी तो वो भी ऑप्शन आ गया है, एक नई हमने देखा है कि मोदी जी ने छोटी सी जो है गौ माता जो एक अलग तरह की ब्रीड है उसको रख रहे हैं। खैर वो यहाँ के लिए नहीं। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप फ्लैट में रहते हैं, गौ माता को आप घर में अपने फ्लैट में नहीं रख सकते हैं, आपके पास जगह नहीं है, तो कम से कम डेली का अगर आप एक रोटी का कीमत 10 रुपया पकड़ेंगे, पहली रोटी का ही मैं बात बोल रहा हूँ, मैं गौ माता की जगह या इसका नहीं बोल रहा हूँ, आपका 10 रुपया दिन का एक रोटी का मैं बोल रहा हूँ, तो महीने में 300 होते हैं, 300 रुपये होते हैं मिनिमम। एक्चुअली आप अपने इच्छा अनुसार जितना चाहे उतना करते, लेकिन मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, क्या 300 रुपया आप उठा करके किसी गौशाला में किसी गौ सेवक को या किसी गौशाला के इसमें दान पत्र में अगर आप डाल दे कि भैया ये मेरी तरफ से मेरी गौ माता के लिए। एक्चुअली एक स्कीम भी निकला था कि जो जो फ्लैट में रहते हैं वो लोग जो है एक एक गौ माता को
दत्तक ले सकते हैं, मतलब गौ माता को अपना सकते हैं। आपके आप जो बोलेंगे उस गौ माता का उसका नाम रखा जाएगा और वो गौ माता आपकी है, लेकिन सिर्फ गौशाला में उसका पालन पोषण हो रहा है। आप महीने में, दो महीने में, या 10 दिन में, या 5 दिन में अपने बच्चों के साथ लेके जाइए और आपने जिस गौ माता को लिया हुआ है उस गौ माता का देखिए कि कैसे उनको पालन पोषण हो रहा है। कुछ गलत हो रहा है तो आपको बोलने का भी हक है, क्योंकि आपने उसका पूरा खर्चा उठाने की बात की है। इस तरह से अगर काम करें तो हर फ्लैट, एक एक बिल्डिंग में भैया 100-100, 200-200 फ्लैट हैं, 200 फ्लैट वाले ने अगर 200 गौ माता की जिम्मेदारी उठा ली तो 200 ये जो सरकार के ऊपर जो बोझ रहेगा, ये गौशाला के ऊपर जो बोझ होता है वो नहीं होगा। और सामान्य इंसान क्या क्या कर सकता है गौ माता के लिए? देखिए, सबसे मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो गौ भूमि है हमारी, गोमंतक गौ भूमि बोलते हैं, परशुराम भूमि बोलते हैं, यहाँ पे हमें पता चला है, मतलब हम जानते हैं कि लगभग 10,000 से जो ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे मंदिर हैं, मठ मंदिर हैं। अगर मैं ये बोलता हूँ हर मंदिर ने अगर दो दो गायों की जिम्मेदारी उठा ली, क्योंकि वहाँ पे जब कोई दान करने जाता है, कोई पूजा पाठ करने जाता है, और हमने जैसा हैदराबाद में देखा हुआ है, ये अपना हैदराबाद बोलता हूँ, तिरुपति में हमने क्या देखा कि लड्डुओं में जो है वो गाय की ही चर्बी की घी बन जो है उसका इस्तेमाल किया गया, पशुओं का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे अपवित्रता कोई तो गैर धर्मी जो है वो हमारे साथ कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि हमारे मंदिरों को जो है उनके हाथों में दिया है। लेकिन गोवा में कम से कम ऐसा है कि गोवा में मंदिर जो है किसी और के हाथ में नहीं है, गोवा में मंदिर जो है वहाँ की कमेटी और चेयरमैन के हाथ में है। तो जो कमेटी है, जो चेयरमैन है, इन लोगों ने अपने अपने प्रांगण में अगर केवल दो गौ माता रखिए, एक नंदी बैल को रखिए, एक नंदी बैल या एक गौ माता ऐसा रखिए, दो गौ माता को भी अगर आप संभाल लेंगे, उनसे जो दूध निकलेगा उस दूध से ही अगर आप मिठाई बना लो, उस दूध से ही अगर आप उनकी अभिषेक कर दो, तब पूरे 10,000 अगर मठ मंदिर ने अगर ये कार्य किया तो 20,000 गौ माता जो है वो आपको मंदिरों में मिलेगा। और आप लोगों के लिए जो फ्लैट में रहते हैं उनके लिए भी अच्छा होगा कि हम किसी भी मंदिर में जाएं तो वहां पे हमें गौ माता दिखेगी, हम गौ माता का आरती करें, पूजा करें, उसका आशीर्वाद फल आपको भी मिलेगा। जी देखिए, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि हमें गौ माता का वैल्यू पता नहीं है। हमारे किताबों में, हमारे बुक्स में हमें औरंगजेब की कहानियाँ सुनाई जाती है, अकबर की कहानियाँ सुनाई जाती है, और किसी किसी की कहानियाँ जो है सुनाई जाती है, लेकिन हमारे मूल धर्म सनातन धर्म में गौ माता हो गए या हमारे वीर पुरुष हो गए, उनके ऊपर सिखाई नहीं जाती है। अब जब तक सामने वाले को गौ माता का वैल्यू ही नहीं पता है तो वो कैसे अपने, मतलब उस गौ माता का वैल्यू पता ही नहीं है। अगर आप देखें आजकल के बच्चे, उनको पता नहीं है वो लोग गौ माता को क्या बोलते हैं, ये भी एक जानवर है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो हमारे शास्त्रानुसार गौ माता जो है ये पशु नहीं है। हमारे वेदों में क्लियर कट लिखा हुआ है, गौ माता ये पशु नहीं है, गौ माता दैवत्य है जिसके अंदर पूरे 33 कोटि और पूरा ब्रह्मांड है। फिर भी हम गाय को नॉर्मल पशुओं की तरह जब तक बिहेव करते रहेंगे, उनके साथ एक जानवर की तरह बिहेव करते रहेंगे तो फिर व्यर्थ है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे बगीचे में अगर कोई गाय घुस गई या कोई घुस गया कि हम लोग लाठी लेकर के मार के भगाने की कोशिश करते हैं। पूरे एक साल में केवल एक दिन अपने से ही पकड़ा है, पूरे एक साल में जब पान देना होता है ना तब उनको याद आती है कि भैया गौ माता भी नाम की कोई चीज होती है। बाकी के 364 दिन तुम्हारे सामने गौ माता कचरा खा रही है, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे सामने गौ माता कत्तल खानों में जा रही है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे सामने गौ माता के बछड़ों को जो है उठा करके काट के खा जाते हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे सामने गौ माता का एक्सीडेंट होता है, तुम यहाँ से देखते हो, हाँ क्या हुआ भाई, अच्छा गाय है, देख के निकल जाते हो। क्या तुम अगर उसी जगह पे अगर तुम्हारी माता बहन या कोई दोस्त रहता तो क्या तुम वो भी बोलते, अच्छा वो है, हम निकल जाते? क्या आप निकल सकते हो ऐसे? क्योंकि हमें हमारी माता पिता या हमारे भाई बंधु के बारे में पता है,
कि ये हमारे लिए हमारे जीवन में क्या वैल्यू रखती है। तो इसी तरह से गौ माता की हमारे जीवन में क्या वैल्यू है, हमारे वेदानुसार हमारे शास्त्रानुसार गौ माता की वैल्यू अगर हम अपने जीवन में समझ जाएं, तो हम भी गौ माता का जब कोई भी एक्सीडेंट देखेंगे या गौ माता कहीं पर भी दिक्कत में दिखेगी तो हमारे अंदर से आवाज आएगा और हमारे अंदर से वो दम आएगा कि हम उनकी रक्षा के लिए वहां पे पहुंचे। आपने धर्म शास्त्र निस्वार्थ भाव से प्रेम करना गौ माता के ऊपर क्या कहता है, कैसे हम लोग निस्वार्थ भाव से प्रेम कर सकते हैं गौ माता को? देखिए हम स्वार्थ से प्रेम कर रहे हैं, पूजा पाठ है तब पान देना तभी फायदा है उसमें इसी तरह। अरे ओम, मैं तो बोलता हूँ भैया निस्वार्थ भाव से बहुत कम है वो सेवा करने वाले। मैं बोलता हूँ भैया स्वार्थ भाव से ही सेवा कर लो। मैं ये बोलता हूँ कि तुम निस्वार्थ भाव से, अगर हम तो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं गौशाला वाले, मैं तो बोल रहा हूँ कमलाकांत हरी जी बोल दूँ या हनुमंत परब जी बोल दूँ या हमारे स्वाति शिवकर जी बोल दूँ, निस्वार्थ भाव से अपने भैया उनको गौ सेवा करना है, अपनी गौशाला को अच्छी तरह से देखना है, इसके लिए वो निस्वार्थ भाव से करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि निस्वार्थ भाव से हम क्यों करें, तो भैया स्वार्थ भाव से कर लो। आपको गौ माता दूध दे रही है वही सोच के कर लो, आपको गौ माता जो है गोबर दे रही है उस गोबर से आपके जो पेड़ है उसमें ये मिल रहा है खाद मिल रहा है ये सोच के कर लो, आपको गौमूत्र जो है वो गौ अर्थ बन के आपको बेचने के लिए मिल रहा है ये सोच के कर लो। स्वार्थ भाव ही सही, लेकिन गौ माता की सेवा जब करोगे तो गौ माता जो है वो तुम्हारे स्वार्थ को नहीं देखेगी, तुम्हारी सेवा को देखेगी। और जब तुमने सेवा करना चालू करते हो, कोई भी अगर गौ सेवा करना चालू करता है, तो याद रखना गौ माता पूरी तरह से आपको आशीर्वादित करेगी, क्योंकि गौ माता के गोबर में लक्ष्मी है। शास्त्रानुसार मैं बोल रहा हूँ, मैं बिना शास्त्र के नहीं बोल रहा हूँ। गौ माता की गोबर में लक्ष्मी जी है, गौ माता के गोमूत्र में गंगा जी है। तो भैया जब आप उनकी सेवा करने लगोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आशीर्वाद मिलेगा। मैं बोलता हूँ निस्वार्थ भाव छोड़ो भैया, स्वार्थ भाव रखो। और एक स्वार्थ भाव अभी गोवा गवर्नमेंट ने किया है, गोवा गवर्नमेंट 80 रुपए कुछ तो दे रही है कि एक घर में 5 गाय रख लो आपको 400 रुपए दिन के मिलेंगे। इसी स्वार्थ भाव से रख लो भाई, लेकिन याद रखना जिस भी भाव से तुम रखो, स्वार्थ भाव से रखो, निस्वार्थ भाव से करो, गौ सेवा जब करोगे उसका फल बहुत ही मीठा रहेगा और इतना आनंददायी रहेगा कि पूछो मत। भारत देश में विविध स्टेटों में कार्यक्रम हो रहा है गौशाला के ऊपर, उसका क्या लाभ है और क्यों करते हैं कार्यक्रम? देखिए कार्यक्रम की बात नहीं है, हमारे जो युवा पीढ़ी है या जो हमारे बच्चे हैं उनको गौ माता का जो महत्व है ये पता नहीं चल रहा, क्योंकि उन्हें कहीं पर कोई पढ़ाते नहीं है। आज आप अगर नौकरी पे जा रहे हो, आपके साथ आपकी पत्नी भी नौकरी पे जा रही है, बच्चे जो है वो या तो ट्यूशन में जाएंगे या तो स्कूल में जाएंगे या तो कोई आपके जो नौकर है वो उनको संभालेंगे, तो गौ माता का वैल्यू आप कहाँ से सीखोगे या कहाँ से समझोगे? इसके लिए हमारे परम पूज्य परम धर्माधीश जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी जो हैं, भगवान जी ने एक यात्रा का प्रारंभ किया गौ माता प्रतिष्ठा आंदोलन, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए एक आंदोलन, गौ माता को पशु सूची से हटाने के लिए एक आंदोलन, गौ माता की पूरे भारतवर्ष में हत्या बंद होने के लिए एक आंदोलन। इस आंदोलन के तहत गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा, मतलब उन्होंने एक ऐसी यात्रा चालू की जहां वो पूरे हर राज्य में जा करके वहां के राजधानी में जा करके गौ ध्वज को स्थापित करेंगे और वहां पे अपने आशीष वचन कहेंगे और गौ माता की जो वैल्यू है हमारे जीवन में शास्त्रानुसार वो हमें बताएंगे। आज हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन इसके जरिए ही सही, इस वीडियो के जरिए या आप लोग जो वहां आपने देखा कि तपोभूमि में हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, वहां पे लगभग 2 से 2500 लोग आए थे, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। अब मैं और रविंद्र रेडकर जी, मैं संयोजक था गोवा प्रदेश के लिए और रविंद्र रेडकर जी जो है वो दक्षिण गोवा के लिए जो है सांसद थे, गौ सांसद थे, तो हम
दोनों ने मिलकर इतनी मेहनत की, साथ में हमारे कुछ बच्चों ने सपोर्ट किया। मैं परमेश्वरन स्वामी जी को भी धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने अपने हॉल को और वहाँ के जो स्वामी जी का रहने का व्यवस्था उन्होंने हमें मुफ्त में दिया, इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने कम से कम एक स्वामी जो परमेश्वरन स्वामी है वो तो कम से कम आगे आए कि हाँ भाई ये अगर प्रोग्राम हो रहा है तो हम भी आपके साथ हैं करके, आप एक काम कीजिए ये हॉल और ये जगह जो है ये सब फ्री में रखिए और साथ में अगर कुछ और कार्य हुआ तो हमें बताइए। तो उन्होंने भी वहाँ पे अच्छा हमें मतलब वो जगह दे करके बहुत हमारी मदद की, नहीं तो हॉल के लिए अलग से हमें खर्चा करना पड़ता। तो उस कार्यक्रम में 2 से 2500 लोग थे, बच्चे भी थे बड़े भी थे, स्कूल के तपोभूमि के स्कूल के बच्चे भी वहाँ पे थे। तो उन लोगों को पता चला वहाँ पे, उतने लोगों को मैं बोलता हूँ 2000 लोग पकड़ने के, 2000 लोगों को पता चला कि भैया गौ माता का तो वैल्यू बहुत बड़ा है, गौ माता क्या है ये उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुख केशवानंद जी से सुना, ये उन्होंने जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती महाराज जो द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी है वो भी वहाँ पे, ये गौ भूमि की सौभाग्य है कि दो दो शंकराचार्य गोवा में आए, ये मामूली बात नहीं है। दो दो शंकराचार्य जो सनातन धर्म के पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के मतलब एक स्तंभ है, चारों शंकराचार्य चार स्तंभ है, उनमें से 2 स्तंभ आपके गौ भूमि में आई, साथ में ब्रह्मेशानंद जो स्वामी है ब्रह्मानंद वो भी वहाँ पे मौजूद थे, हरिश्चंद्रानंद सरस्वती जी महाराज थे वो भी वहाँ पे पहुंचते और बहुत महानुभाव वहाँ पे उपस्थित थे। ये सब गौ भूमि में केवल गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए, गौ माता को कम से कम राज्य माता घोषित करवाने के लिए ये गौ भूमि में उतरे थे। और वो 2000 लोगों को जब पता चला, वो वीडियो पूरे गोवा में फैली, पूरे इंडिया में फैली, तो मैं सोचता हूँ कि और 10,000 लोगों को जानकारी मिली। तो इस तरह की जागरूकता फैलाने के लिए हमारे जो भगवान शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद है 22 सितंबर से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी अयोध्या राम जन्मभूमि से, और ये पूरे भारतवर्ष में जाते जाते 26 अक्टूबर को जो है वृंदावन में कृष्ण जन्मभूमि में इसका समापन होगा। और हमें विश्वास है कि पूरे भारतवर्ष में जो गौ माता का जो प्रतिष्ठा कम होती जा रही थी वो इस यात्रा के बाद बहुत बढ़ जाएगी। मेरा एक प्रश्न है, मेरा एक युद्ध का प्रश्न है कि एक गौ सेवा के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए आपको एज अ यूथ जो है गौ सेवा के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरह की कार्य कर सकते हो। आप गौ सेवा, आप गौशाला में जाइए, वहाँ पे जो गौशाला है वहाँ पे आप अगर एक ही दिन है आपके बस वीक में एक ही दिन है तो आप वहाँ पे जाइए गौशाला में जाकर के साफ सफाई में मदद कीजिए, जो चारों तरफ आप देख रहे हो वहाँ पे साफ सफाई में मदद कर दीजिए, ये तो मतलब परम सेवा हो गई। क्योंकि जब गौशाला में जाकर के आप गौ माता की जो जगह है उसको साफ सफाई कर रहे हो तो वो उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। दूसरी तरीके से आप लोग जब भी अपने अपने एरिया में कहाँ घूम रहे हो कहीं जा रहे हो, आपने देखा होगा कि पिछले महीने ही जो है मड़गांव में एक बहुत बड़ा रेड हुआ था, जिस दिन 22 सितंबर को हमारे भगवान शंकराचार्य जी ने जो ये यात्रा शुरुआत की थी उसी रात्रि को मड़गांव में एक बहुत बड़ा रेड हुआ था। 2 नंदी महाराज को जो है हमारे रविंद्र रेडकर जी और बजरंग दल के जो हमारे विराज देसाई जी और हम भी मौजूद थे, हम सब लोगों ने मिलकर उनको बचाया। वहाँ पर हमने देखा कि 40 कैन 20 लीटर के 40 कैन जो है वो चर्बी से बने हुए घी, वही आप लोग जाकर के खाते हो कहाँ पे, वहाँ के जो ये मुसलमानों के जो है कुछ होटल्स, मैं सारे मुसलमानों का नहीं बोल रहा हूँ लेकिन कुछ विधर्मियों का कुछ मुसलमानों के जो होटल्स हैं वहाँ पे आप जाकर के मस्त बिरयानी खाते हैं, 100 रुपये में खाते हैं बिरयानी, 150 रुपये में खाते हैं। आप बताइए घी इतना महंगा है फिर भी 100 रुपये और 150 रुपये में आपको अगर वो बिरयानी खिला रहा है, मतलब सोच लीजिए, आपने टीवी में देखा रहेगा जो मूवी है कौवा बिरयानी, इसी तरह से ये जो है ये चर्बी बिरयानी आपको खा रहे हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो गोवा में जितने मड़गांव एरिया में, कम से कम मड़गांव एरिया में तो बोला पूरे गोवा में, लेकिन कम से कम मड़गांव एरिया में जितने सनातनी हैं वो अपने धर्म के लिए जो है जो उन्होंने कहीं ना कहीं बिरयानी अगर खाई होगी तो मंदिर में जाकर के पछतावा करे, पूजा पाठ करे कि भैया हमने गलती से खा ली करेंगे, क्योंकि इस तरह की चर्बी जो है पूरे गोवा में ये विधर्मियों के पास जाता है। ये जो कुछ जिहादी लोग जो हैं ये जानबूझ के इसको निकाल करके वहाँ पे यूज करते हैं, तो ये सब गलत होना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे ये आप रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, रोकने के लिए आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरह से मड़गांव में कुछ युवा जागरूक हुए और उन्होंने एक जगह पे रेड मार दी,
उस तरह से अगर हर एरिया में युवा अगर जागरूक होने लगे और उन्होंने कोई गाड़ी में कोई कत्ल खाने को लेके जा रहा है उसको रोक दिया और हमको फोन कर दिया, मैं तो सीधे सीधे नंबर दे रहा हूँ पूरे गोवा में 24/7, मेरा नंबर है 9970508508, पूरे गोवा में 24/7 कहीं पर भी अगर गौ माता को अगर ले जाते वक्त आपने ऐसा कोई देखा कि कोई कत्तल खाने को ले जा रहा है, कोई भी धर्मी जो है वो कत्तल खाने के लिए, मुझे आप फोन कर सकते हैं, उस एरिया में जो हमारे लोग रहेंगे वो आपकी मदद के लिए तुरंत पहुंच जाएंगे वहां पे। और इस तरह की सेवा भी होती है क्योंकि गौरक्षा जो है ये एक सेवा होती है। मैंने पहले बोला गौशाला को साफ सफाई, दूसरी बात आप लोगों की जागरूकता, यूथ में जागरूकता होना चाहिए, तीसरी बात कहीं पर भी आप अगर गौ माता को आप देख रहे हो एक्सीडेंट हो गया है, आप भैया उनको गौशाला तक नहीं पहुंचा सकते हो लेकिन कम से कम वहां पे रुकिए, थोड़ी देर रुक करके गौशाला वालों को फोन कीजिए। अब क्या हो जाता है कि गौशाला जो है हमारे दूर है, अगर फोंडा में एक्सीडेंट हुआ है तो एक गौशाला हमारी बिचोली में है, दूसरी गौशाला हमारी केपे जम्बावली में है, अगर फोंडा में एक्सीडेंट हो जाता है उनको यहाँ पे आने में 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाएगा, लेकिन अगर आप लोग रुक सकते हो 1.5-2 घंटा तो वहां पे रुकिए, गौ माता के साथ रुकिए। अगर आप नहीं रुक सकते हो तो जब आपके बाद कोई अगर नया युवक आ रहा है तो उसको बोलना भाई मेरे को थोड़ा सा लेट हो रहा है तुम यहाँ पे तब तक रुको, इसको हमने फोन किया है, तो जब तक गौशाला वाले आएंगे तब तक आप उनको देखते रहेंगे। नहीं तो होता क्या है ज्यादातर कि हम जब तक पहुंचते हैं तब तक वो गाय उड़ जाती है, थोड़ा सामान लग रहा था उड़ जाती है और भाग जाती है और वही घाव जो है वो नासूर बन जाती है और बाद में उनको ज्यादा तकलीफ देती है, तो उसको रोकने के लिए आप लोग इस तरह से मदद करें। दूसरी बात अगर आप जो खाना खाने जा रहे हो या जो आप कुछ खरीद रहे हो वो वेस्ट करने से अच्छा है कि उसे लीजिए, आप सब्जियां खरीद रहे हो सब्जियां आपके घर में वेस्ट हो रहा है उसको अलग से रखो और गौशाला या जो आपको रास्ते में गौ माता दिखे उन गौ माता को खिला दीजिए। इस तरह का भी सेवा है, सेवा बहुत तरीके के हैं, जिस तरह से आप सोचो उस तरह से आप सेवा कर सकते हो। गौ माता के ऊपर बहुत से मिथ्स बने हुए हैं कि ये लोग अपने मुस्लिम का नाम लेते बीच में, मुस्लिम लोग ये करते हैं हिंदू नहीं करते हैं क्या, ये बहुत से मिथ है। देखिए मिथ्स की बात तो अलग हो जाती है, मिथ में नहीं है। देखिए हिंदू जो है वो गोमांस तो कम से कम नहीं खाते हैं और मैं बोलना चाहूंगा कि जिस हिंदू ने गोमांस खा लिया वो हिंदू है ही नहीं, जो अपनी माँ का भक्षण कर सकता है वो हिंदू ही नहीं है। अगर खुद से खा रहा है या किसी और के थ्रू खा रहा है या जैसे भी खा रहा है वो हिंदू नहीं रहा। गलती से देखिए जैसे कि आपने बोला, हमने अभी बताया था कि 41 केन्स है वहां पे, वो चर्बी वाले अगर आपने खा लिया हो तो वो गलती से खा लिया आपने तो उसका पछतावा है आपके पास, धर्म शास्त्र अनुसार वेदा अनुसार पुराणों के अनुसार आप उसका पछतावा कर सकते हैं कि भैया हमने गलती से खा लिया, हे गौ माता हमें क्षमा करे, उसका आप पूजा पाठ करवा करके अपने आप को शुद्धिकरण में जा सकते हैं। नहीं एक्चुअली अपमान है ना किसी भी बच्चे का हो या किसी का भी हो। 100% करेक्ट, हमारे शास्त्रानुसार आप मांसाहारी भोजन जो है ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है, आपको मांसाहारी खाना नहीं है। आप कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भैया हम सोमवार को नहीं खाते हैं, हम मंगलवार को नहीं खाते हैं, हम बुधवार को, आप बाकी के 6 दिन मांस बदा दबा के खाओगे, अब 6 दिन मांस दबा के खाओगे और 1 दिन के लिए छोड़ दे दोगे भगवान माफ कर देगा, आप उनकी भी तो जीव है, आप डल रहे हो उसको, हम भी थे पहले मांसाहारी, क्यों यही मैं बोल रहा हूँ, हम भी पहले मांसाहारी थे, हम भी मांस खाते थे, लेकिन जब हमें पता चला हमारे धर्म के बारे में, देखिए गलती यहीं पर है ना, एकदम घूम फिर के बात यहीं पर आ जाती है। जैसे अगर आप देखें विधर्मियों का मतलब जो दूसरे धर्म के जो हैं, धर्म नहीं दूसरे मजहब के, क्योंकि धर्म तो एक ही है पूरे विश्व में, वो है सनातन हिंदू धर्म, एक ही धर्म है। बाकी के जो मजहब आप देखते हैं या बाकी के जो रिलीजन या जो भी आप बोले वो देखते हैं, उनके अंदर क्या है कि आप अगर मदरसा में जाओ तो मदरसा में वहाँ पे छोटे बचपन से लेकर के बड़े होने तलक आप मरने तलक वहाँ पे उनको धर्म के बारे में कट्टरता के बारे में सिखाई जाती है। आप चर्च में चले जाओ तो उन्हें बाइबल स्कूल से स्टार्ट होकर के बाइबल कॉलेज से होकर के सब कुछ वहाँ पे उनको धर्म के बारे में सिखाई जाती है। और उनमें एक मुझे अच्छी बात लगती है, देखिए उनमें भी बहुत अच्छी बातें हैं, एक क्या है मुसलमानों में देख लो या ईसाइयों में देख लो, वो लोग चाहे कुछ भी हो जाए चाहे उतना भी बिजी रहे लेकिन जब उनको एक दिन जो मुसलमान है उनको शुक्रवार को
दोपहर में नमाज पढ़ना है तो भले अपना दुकान बंद करके जाना पड़े, भले जॉब को छुट्टी मार के जाना पड़े, वो वहां पे पहुंच जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। ये उनकी अपने इष्ट के लिए जो है वो प्रेम दिखाता है और उसी में उनकी कट्टरता छुपी हुई है। और उसी तरह से जो क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई लोग हैं, वो भी जो है चाहे कुछ भी हो जाए, संडे को जो है अपने इष्ट देव यीशु जो है जीसस क्राइस्ट जो बोलते हो उसके पास जाकर के वहां पे वो लोग संडे को कैसी भी हालत में पहुंचते हैं। वो उनकी प्रेम है उनके इष्ट देव के लिए, इसमें वहां पे कट्टरता होती है। लेकिन हमारे हिंदुओं में क्या है, हमारे हिंदुओं के लिए भैया नौकरी इम्पोर्टेंट है, धंधा इम्पोर्टेंट है, दुकान इम्पोर्टेंट है, मंदिर तो हम आज नहीं गए कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे, कल नहीं गए परसों चले जाएंगे, और हम लोग जो है मांसाहारी खाने लगे हैं, तो इसके लिए हमारे अंदर जो है वो तामसिक जो ये होती है वो तीव्र हो गई है। और जो हमको सेवा का जो करने का या गौ माता की सेवा करना या धर्म के बारे में जानना, ये हमारी रुचि जो है वो कम होती जाए। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हर व्यक्ति से, हर मंदिर में, हर पुजारी से, कि आपके पास जो कोई भी लोग आए उन्हें बताएं कि भैया मांसाहारी भोजन पूरी तरह से हमारे धर्म शास्त्रों में इसकी मनाही है, सॉरी आपको इसकी मनाही है, तो आप लोग जो है मांसाहारी भोजन तुरंत बंद कर दें। कोई भी चीज जब आपको धर्म शास्त्र के बारे में, हमारे वो भी अज्ञानता है, अभी तक लोगों को पूरी तरह से पता नहीं है, धीरे धीरे लोग सीख रहे हैं, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। अभी गुरुकुल टाइप की बोले या गुरुकुल तरह की बोले, जो भी है उस तरह की बातें जब यहाँ पे धर्मशास्त्रों के बारे में बताया जाएगा, हमारे बच्चों को पता चलेगा, तब जाकर के वो कहीं ना कहीं मांसाहारी छोड़ेंगे और उसका फल तब उनको मिलेगा। लेकिन याद रखना, हमारे इसमें लिखा हुआ है कि गौ माता के लिए खास करके बोल रहा हूँ, हिंदू धर्मशास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि गौ माता को छड़ी मारना, गौ माता को पैर लग जाए, गलती से भी अगर पैर लग जाए, या गौ माता को आप मारने लेके जा रहे हो, गौ माता को आप मारने के लिए किसी को बेच रहे हो, या कुछ भी करो, याद रखना हमारे धर्मशास्त्र में, पुराणों में, हमारे वेद में, यजुर्वेद में, अब अगर अथर्ववेद देखें या यजुर्वेद देखें, यजुर्वेद में पंचम और अष्टम अध्याय में पूरी तरह से दिया हुआ है, आप कभी पढ़ लीजिएगा। मैं बाकी के श्वेताओं से भी कहूंगा कि यजुर्वेद के पंचम और अष्टम अध्याय पढ़िए, उसमें सीधे सीधे गौ माता की पूरी विशेषताएं लिखी हैं, और साथ में ये भी बताया है कि गौ माता को छड़ी मारना, गौ माता को बेचना, मारने के लिए बेचना, या गौ माता को काटने के लिए बेचना, या गौ माता के खिलाफ कुछ प्रताड़ना करना, इसकी माफी नहीं है। आप आजीवन नर्क भोगते रहोगे, और आप इस जीवन में जिस योनि में है इससे बदतर योनि में जाओगे और निरंतर उसी योनि में रहोगे। ये जो है ये हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं। इसके लिए जो ये जो आप बोल रहे हो कि हिंदू जो इसने खा लिया उसके लिए सजा कंफर्म है, मैं बोल रहा हूँ। अब मैं आता हूँ मुस्लिमों के बारे में। देखिये पूरे भारतवर्ष में अगर हम देखें तो हर जगह पे बोलते हैं, यहाँ पे भी गोवा में तो बहुत जगह पे बोल रहे हैं कि भैया मुस्लिम हिंदू भाई भाई भाई, मुस्लिम क्रिश्चियन हिंदू भाई भाई। मान लिए, हम मान लेते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, लेकिन एक बात बताओ, जब एक भाई की माँ को दूसरा भाई खाए तो क्या वो मेरा भाई बन सकता है? जो 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 बंदा गाय को रोटी के साथ खाए, जो बंदा गाय को रोटी के साथ खाए और जो बंदा गाय को रोटी खिलाए, ये दोनों कभी आपस में भाई भाई हो सकते हैं क्या? कभी नहीं। तो ये बकवास की बातें जो है इसे हमें बंद करना पड़ेगा। अगर तुम्हें, मैं सारे मुसलमानों को बोलना चाहूंगा कि अगर तुम अगर हमारे भाई बनना चाहते हो तो हम दोनों हाथ से खोल के बोल रहे हैं कि हम तुम्हें भाई मानने के लिए रेडी हैं, लेकिन हमारी गौ माता को खाना बंद करो। तुम भी हमारे इस गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए तुम भी हमें सपोर्ट करो। बाकी के चीजों में तुम भाई भाई बोलते हो, लेकिन जब मेरी माँ को तुम काट के खा रहे हो, छोटे छोटे बछड़ों को जब तुम तल के खा रहे हो, और तुम बोलोगे कि भैया तुम हमारे भाई हो, किस तरह से हो जाओगे भाई, चाहे वो मुस्लिम हो या ईसाई हो, किस तरह से हो जाओगे? आज यहाँ पे 25 से 26
इनलीगल कत्तल खाने हैं, जिसमें से दो तीन हम लोगों ने बंद करवाए हैं, दो तीन बंद करवाने से, याद रखिए, दो तीन इनलीगल कत्तल खाने बंद करवाने से आज मड़गांव में 25 दुकान, पंजी में 15 दुकान बंद पड़ गई है। क्यों? क्योंकि उन्हीं जगह से उनको गौमांस की पहुंचाई होती थी, और वो दो तीन दुकान अगर इनलीगल हमने बंद करवा दिया, उससे 25 और 15 40 अगर गौमांस बिक्री बंद हो गई दुकान, तो सोचिए अगर हमने सारे इलीगल कत्ल खाने बनवा दिए। मैं तो गोवा के यूथ से बोलना चाहूंगा, हर यूथ से, कि अगर आपको कहीं पर भी पता है कि यहाँ पे इलीगल कुछ स्लॉटरिंग होता है, आप लोग हमें बेझिझक कांटेक्ट करें। आप हमें ज्यादा कोई आपका नाम कहीं पर भी हम सार्वजनिक नहीं करेंगे, हम किसी को बताएंगे भी नहीं, और उस जगह पे पूरे टीम को लेकर के साथ पूरे गोवा से कम 500,000 गौ सेवक को लेकर के हम उसके ऊपर हल्ला बोल देंगे। क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र में लिखा है कि जो गौ माता को मारे, जो गौ माता को काटे, उसे गोली मार दो। और हमारे भगवान शंकराचार्य ने आदेश दिया हुआ है, हमारे भगवान शंकराचार्य जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने हमें आदेश दिया हुआ है वेदानुसार, शास्त्रानुसार, कि गौ हत्यारों को गोली मारना चाहिए। करके हमने तो अपने कलेजी पे पत्थर रखा हुआ है, हम अभी तक हमने अपने कलेजे पे पत्थर रख के हम लोग मतलब एकदम दुखी होकर के कि हमारी गौ माता के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी हम शांत बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कि कहीं ना कहीं कोई सरकार आएगा जो हमारे लिए गौ माता को प्रतिष्ठा दिलाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें मैदान में उतरना होगा। सारे युवाओं को बोलता हूं मैं, आप लोग किसी भी पार्टी से हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, या आप किसी भी संगठन से हो, या कहीं पर भी हो, लेकिन जब बात गौ माता और धर्म की आती है तो आप लोगों को वो पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के धर्म के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें हिंदुओं को जो है वो जातियों में बांट दिया है इन लोगों ने, ये राजनीतिक वालों ने हमें हिंदुओं को जातियों में बांट दिया है कि ये चमार है, ये छोटी जाति, ये बड़ी जाति, ये वैश्य है, ये बनिया है, ये ब्राह्मण है, हमें जातियों में बांट दिया। लेकिन उनकी जातियों को क्यों नहीं दिखा रहे हो? मुस्लिमों में अगर तुम देखो तो मुस्लिमों में सिया, सुन्नी, देवबंदी और न जाने कितने कितने जातियां हैं उनके, 18 या 19 जातियां उनके हैं, कुरान में लिखा हुआ है उनके जातियों का, उन जातियों को क्यों नहीं खुला करते हो? अगर आपको जातियों के बारे में ही अगर करना है तो फिर ईसाइयों में भी जातियां हैं बहुत सारे, जो सिर्फ यहुआ को मानते हैं, मतलब जो परमपिता परमेश्वर है उसको मानते हैं, जो कोई सिर्फ यीशु को मानता है, जो मानता है, एक ऐसी भी जाति है उनके अंदर जो केवल यीशु पिता और पुत्र को जानते हैं, मतलब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को जानते हैं। कुछ ऐसे जातियां हैं जो रोमन कहती हैं, जो मरियम को मानते हैं, कुछ ऐसे जातियां हैं जो दूसरे को मान, ऐसे बहुत सारे अनेक जातियां हैं, आप उनके जातियों में क्यों नहीं डिवाइड करके देख लेते हो? आप केवल हिंदू बहुसंख्यक को अपने अपने जातियों में बांटे, देखिए हमारे में जातियों में किसी को बांटा नहीं गया है। हम जो है, हम वर्ण सिस्टम में जो है, वर्ण सिस्टम है हमारा, अगर हम आज मैं एक ब्राह्मण हूँ, नाम से ब्राह्मण हूँ, मैं राजीव झा मेरा नाम है, ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं काम क्या कर रहा हूँ, गौ रक्षा की काम कर रहा हूँ। जो मुझे गौ माता को अगर कहीं पर भी अगर चोट मारते हुए दिखाए, अवैध अत्याचार करते हुए दिखाए, गौ माता की हत्या करने वाला अगर मुझे दिखे तो मैं उसे मारूंगा, उसे काटूंगा, तो मैं क्षत्रिय बन गया हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं रहा, मैं क्षत्रिय बन गया हूँ। और कोई क्षत्रिय अगर गौ माता की जो है वो कथा सुनाए, गौ माता के बारे में आपको सुनाए बताए, तो वो क्षत्रिय नहीं रहा, वो ब्राह्मण बन गया है। तो हम लोग वर्ण सिस्टम में बटे हुए हैं, वर्ण सिस्टम में हमें विभाजित किया गया है, बांटा नहीं गया, हमें ये कार्य इनको करना है। तो जो वो कार्य कर रहे हैं उसके हिसाब से हम जी रहे हैं। लेकिन हमको क्या कहा गया, नहीं नहीं नहीं, ये छोटी जात वाला, नहीं भैया, अगर कल अगर मैं जाकर के अगर रास्ता साफ करूं तो मैं भी छोटी जात वाला हो गया हूं। वर्ण सिस्टम के हिसाब से मैं अगर कोई चमार जूते सिलने का काम करूं या जूता बेचने का काम करूं तो मैं चमार बन गया। मैं भले नाम से राजीव झा है मेरा, मैं ब्राह्मण हूं, नाम से कुछ नहीं होता है, तुम्हारे कर्म से होता है। तुम जिस जो कर्म कर रहे हो उसके अनुसार हमें वर्ण सिस्टम में विभाजन या हमें बताया गया है, वर्ण सिस्टम बताया गया है। यहां पे कुछ आपको पूछने का है जी, गो माता के बारे में बोला, वैसे मतलब किस स्त्री के बारे में अत्याचार हो रहा है, रेप बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है, हमें डिटेल में सुनना है, ऐसे क्यों बढ़ रहा है,
देखिए हिंदू धर्म में अगर देखा जाए, सनातन धर्म में अगर देखा जाए, तो हमारे लिए हर स्त्री, पर स्त्री बोलते हैं हम लोग, जो हमारी माता है, जो हमारी बहन है, जो पर स्त्री है वो हमारी माता और हमारी बहन है, हम उनको देवी का रूप देखते हैं। अगर हमें शास्त्र के बारे में, वापस से यहीं पर बात आती है, शास्त्र के बारे में अगर प्रॉपर ज्ञान है, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आराध्य माना है, जिन्होंने हमारे ग्रंथों को पढ़ा है, जिन्होंने महाराणा प्रताप को अपना आदर्श माना है, जिन्होंने संभाजी राजे को अपना आदर्श माना है, वो पर स्त्री को जो है कभी भी बुरी नजर से नहीं देखेंगे। लेकिन अगर दूसरे धर्मों को बारे में अगर मैं बोलूं, तो वो तो बच्चे जनने की उन्होंने मशीन सोच के रखा हुआ है। एक जगह तो किसी ने बोल दिया कि भैया ये तो खेत है, जितने चाहे उतना उपज कर लो। कोई बोलता है कि ये तो ऊपर वाले की देन है, जितना आता है आने दो। तो जहां पे स्त्री की अपमान जो है वो ज्यादातर, अगर हम न्यूज में अगर देखें, अगर न्यूज चैनल्स में देखें, तो हम ज्यादातर देखते हैं कि एक विशेष समुदाय का नाम ही ज्यादातर स्त्री अपमान या स्त्री के बलात्कार या स्त्री के साथ छेड़खानी, एक विशेष समुदाय का नाम ही आता है। हिंदुओं का नाम भी आता है, मैं बोलता हूँ, मैं मान रहा हूँ हिंदुओं के कुछ नाम भी आते हैं, उनको भटकाया गया है, उन्हें वेदों के बारे में, उन्हें शास्त्रों के बारे में, उन्हें हमारे देवियों के बारे में बताया नहीं गया है। तो हमारा कर्तव्य है, हमारे पंडितों का कर्तव्य है, हर मठ मंदिर में जितने पुजारी हैं, जितने स्वामी हैं, उनका कर्तव्य है, जो माता पिता है उनका कर्तव्य है कि बचपन से ही अपने बच्चों को सिखाते जाओ कि हर पर स्त्री को देवी, माँ, बहन मानो। और अगर आपका लड़का कहीं पर भी गलत करता है तो उसी वक्त उसको दो थप्पड़ मारो और उसे सुधारो, क्योंकि हमारे लिए कोई खेत नहीं है स्त्री, हमारे लिए देवी है, दुर्गा की रूप है, शक्ति की रूप है, लक्ष्मी की रूप है, हम पूजते हैं। हम देवियों के बारे में गलत अगर कोई भी बंदा हमारे हिंदू सोच रहा है, तो उसे उसी वक्त, अगर आपका दोस्त अगर आपके साथ में है और किसी लड़की को देख के अगर छेड़े, तो उसको दो थप्पड़ तुरंत मारो कि कल से तुम मेरे साथ मत घूमना, तू हिंदू नहीं है, तू पर स्त्री को ऐसा छेड़ रहा है या पर स्त्री के बारे में गलत कमेंट मार रहा है, तुम दो थप्पड़ मारो। और जो विधर्मी है भैया, उसके बारे में बोले नहीं क्या, उन्होंने तो 35-35 टुकड़े में करके रखे हुए हैं। एक जगह की बात हो तो हम सोच सकते हैं कि हाँ ये भी एक्सक्लूसिव है करके, कोई गलती से हो गया रहेगा, लेकिन हम पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें, पूरे विश्व में देखें, अगर हम रेशियो निकाल लें, गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा, मैं बिना इसके नहीं बोल रहा हूँ, गूगल पे सर्च कर लो, अगर रेशियो निकालें तो एक विशेष समुदाय, सो कॉल्ड जो समुदाय है, जो शांति दूत अपने आप को कहलाती है, वही स्त्री के ऊपर ज्यादा अत्याचार करती है। और हमारी बहनों को बचना होगा, हमारे बहनों को इनके मायाजाल से बचना होगा। क्या कर सकते हैं रेप कम होने के लिए? देखिए, रेप कम होने के लिए सबसे पहली तो मैंने बताया कि जितने भी मठ मंदिर हैं, जो पुजारी हैं, उनका सबसे पहला कर्तव्य है, माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को समझाए कि भैया तुम्हें पर स्त्री को देवी मानना है और बहन मानना है। और दूसरी बात, जितने युवा हैं, जो हिंदू हैं आपकी तरह, जो जागृत हैं या जो सनातन के बारे में जिनको जागृति है, वो जो है अपने कॉलेज में या अपने कार्यस्थल पे या आप कहीं पर, आप एक गार्डन में बैठे हो, तो वहां के यूथ्स को जो है मिलके आप लोग जागरूकता फैलाइए, इससे बढ़िया बात क्या होगा। अगर कोई आप देखे किसी को कि भैया कोई एक पर स्त्री को छेड़ रहा है, किसी लड़की को छेड़ रहा है, तो वहां पे उसे जाकर के रोके, भले झगड़ा ना करें, आप प्रेम से एक ही बात बोलना, भाई वो मेरी बहन है, कृपा करके उसके साथ उसको मत छेड़ो। कम से कम वो ये डर के कि भैया ये इसकी ही बहन है, इसके सामने हम क्यों छेड़े करके, कम से कम ये डर के तो वो छोड़ देंगे। और फिर उसे बोलना, भाई ऐसे ही आपकी बहन को भी कोई छेड़ सकता है, इसके लिए क्षमा करे, किसी और को बहन को ना छेड़े, हमारे धर्म में ये बात उल्टा हुआ। ऐसे अगर यूथ, अगर हमारे 100-200 अगर जाग जाए, 500 यूथ अगर पूरे गोवा में जाग जाए, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि गोवा में कहीं पर भी बलात्कार, छेड़छानी या इस तरह का जो है कार्य नहीं होने होगा। हमें जागना होगा, हमारे धर्म के बारे में हमें जगाना होगा, हमारे धर्म के बारे में, हमारे सनातन वेदों के बारे में, शास्त्रों के बारे में, जब तक हम अपने यूथ को जागरूक नहीं करेंगे पूरी तरह से, तब तक ये संभव नहीं है।